नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज। नाजरीन, आज एक जॉब कैडेट मेला लगाया गया था फलकनुमा, ACP और DCP साहब और जो है ACP फलकनुमा के मुश्तरीका तौर पे पुलिस महकमे ने, उनका ख्याल ये है कि नौजवान, पढ़े लिखे जो नौजवान है उनको कंपनियों से कनेक्ट करना, तो उसके मकसद के लिए इससे पहले एक मील चौक पुलिस स्टेशन के हदूद में भी एक जॉब कनेक्ट मेला लगाया गया था, जहां पे तकरीबन बताया जाता है कि जो है बेहतरीन वहां पे जॉब ऑफर्स हुए हैं। इसी हिम्मत के साथ और इसी चीज को आगे ले जाते हुए महकमे पुलिस ने आज DCP सौजोन, ACP साहब और आज के मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहब मिस्टर अंजनि कुमार साहब भी मौजूद थे, इनकी निगरानी में एक मेला, जॉब कनेक्ट मेला लगाया गया, जिसमें 20 से जायद हैदराबादी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया और 4000 से जायद लड़के और लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट करते हुए अपने अपनी काबिलियत और अपनी काबिलियत के हिसाब से कंपनियों से रुजू हुए। इस सिलसिले में तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि 1000 से जायद जॉब्स ऑफर हुए होंगे, लोगों को नौकरियां मिली होगी। तो नाजरीन, आप देखते रहिए ASJ न्यूज और हमारे रिपोर्टर सैयद हामिद की, देखते हैं ये। जरा लांग आ जाओ ना, हटो छोड़ो। इंस्पेक्टर श्रीनिवास पलकना हूं यहां आकर पुलिस डिपार्टमेंट और खास करके हमारे कंपनीज के सभी सीनियर अफसरान को, पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मीडियम है, पुलिस के मीडियम से। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे DCP साउथ जोन, ACP फलकनुमा और उनके पूरे टीम के तरफ से, और साथ में हमारे 20 से ज़्यादा हैदराबाद की बड़ी कंपनियां, ये लोग सब मिलकर पुराने शहर में आज यहां फलकनुमा लिमिट में जॉब कनेक्ट का एक ये इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसमें यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि लगभग 4000 बॉयज़ और गर्ल्स ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये 20 से ज़्यादा कंपनी हमारे एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 900 या 1000 जॉब आज ज़रूर ऑफर होगा। ऐसे मौके पे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि लगभग 40-45% जो स्टूडेंट्स हैं वो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, और आज जो हैदराबाद का ये डेवलपमेंट हो रहा है, आज जो हर जगह दुनिया में चर्चा हो रही है हैदराबाद के इम्प्रूवमेंट की, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, यह देखकर और भी अच्छा लगता है माहौल। ख़ास करके हमारे कुछ कंपनीज़ जो स्पेशल इम्फेसिस कम्युनिकेशन पर दे रहे हैं, तो उनके तरफ से भी जो कमेंट आया कि ख़ास करके जो लड़कियां आजकल जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से नए साल पर 2019 में यह सबसे पहला जॉब कनेक्ट मेला साउथ जोन में शुरू हुआ, जिसके लिए साउथ जोन के DCP अंबर किशोर झा, ACP फलकनुमा और उनके पूरे टीम मेंबर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और इसी तरीके से हमारे सभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज यहां इकट्ठी हुई हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में फरवरी महीने में जहां तक मुझे लगता है कि सेंट्रल जोन में इसी तरीके का इवेंट होगा और बाय रोटेशन हैदराबाद के सभी फाइव जोन्स जो हैं वो हर जगह मेला होगा। पुलिस डिपार्टमेंट सिटीज़न फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए जो अपना कमिटमेंट हमेशा दिखाती रही है उस कमिटमेंट लेवल को हम और भी ऊपर ले जाएंगे और ऐसे मौके पे फुल पब्लिक सपोर्ट, फुल कॉरपोरेट सपोर्ट और फुल डिपार्टमेंट सपोर्ट, ये तीनों मिलकर हम लोग हिंदुस्तान को ही नहीं दूसरे देशों को भी दिखाएंगे कि मिलजुल कर यूनिटी के साथ काम करने से स्काई इज़ द लिमिट। और आने वाले समय में कम से कम 1,00,000 जॉब का टारगेट है कि पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग कंपनीज के साथ मिलकर हैदराबाद शहर में क्रिएट करेंगे। एक जॉब मिलने से केवल एक जॉब एक व्यक्ति एक किसी इंडिविजुअल का जॉब नहीं है, इससे पूरी परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन सोशल कंडीशन सब चेंज होती है और सबसे बड़ा चीज़ है कि सोसाइटी में खुशहाली आती है, वेल्थ क्रिएशन होता है। आज की तारीख में हैदराबाद इज़ द सेंटर ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द कंट्री। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आ रही हैं शायद किसी शहर में नहीं है। आने वाले वक्त में हैदराबाद को हम लोग उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां हिंदुस्तान ही नहीं बाहर के सभी बड़े टैलेंट रोज़गार के लिए नौकरी के लिए यहां आएंगे और हम लोग मिलकर हैदराबाद को एक और नए मुकाम की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू।